तुम्हारी याद कर रहे हैं ना गजेंद्र के पास इतना सामने हरे पास सामने आ जाओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण ना ना इतने देख के पिक्चर हट देती हो ओके गटेल ड्रेस वाला ना एक घर आ जा एक इधर इधर आ जा इधर आ जा हरे कृष्ण के निकल रहा है गोपीनाथ मम निवेदन सोन गोपीनाथ मम निवेदन सोन गोपीनाथ मम निवेदन सोन मम निवेदन सोन आमी विषय दुर्जन सदा कमरत किछु नाही मोर बावन गोस्वामी महाराज कहा करते थे अपने बोल में श्री बावन गोस्वामी महाराज कहा करते थे हमें रोज रोज दो दो कीर्तन करने चाहिए बोले कौन सा कीर्तन बोले ये गोपीनाथ मम निवेदन सुना और एक भक्ति विनोद ठाकुर का कीर्तन है अमार जीवन सदा पापी रत नाही का पुण्य रले ये कहते थे ये दो कीर्तन हमें रोज करनी चाहिए बोले क्यों करनी चाहिए बोले हमारा हृदय में बहुत सारी कामना वासना काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से हमारा हृदय ये भरा भरा हुआ है हृदय इसलिए इनको हम अपने आप ये चीज को हटा नहीं सकते कैसे हटा सकते हैं वैष्णव का ठाकुर जी का अगर कृपा हो तभी ये चीज को हम हटा सकते हैं इसलिए ये जो दो कीर्तन में बद्ध जीव का जो हृदय को उन्होंने बाहर निकाल दिया
हमारे हृदय में किसी काम क्रोध से भरा पड़ा हुआ, इसलिए अगर गोपीनाथ जी को चरण में ये चीज प्रार्थना करेंगे तो इनकी कृपा से ही हृदय की सारे काम क्रोध दूर हो सकता है। तो ट्रांसलेट रुस की जसोधरा We have to sing this to Bhajan mandatorily every day. One is the Gopinath Mamon Nivedana, Anadhar is Amar Jivan Sada Papero. See, why we are singing this song, because our heart is filled with lust, anger, envy and all this unutterance. So we, by our own effort, we cannot remove them. So only by the mercy of Krishna, Gurudev, Vaishnavas, we can be free from these things. So we have to beg their mercy and we have to accept that we are filled with all these anarthas, and we have to really pray to Lord that okay, please remove us from this obstacle. अगर उसके पास में कीर्तन का भूख हो ना, उसको निकाल करके उसको देखे पड़े और उसमें क्या क्या प्रार्थना कर रहे हैं। So if you have that kirtan book, giti gut, you take it out this song and you read, and you understand the translations also been given in the English book, so you will find what the prayer is, what is the meaning of this prayer. Yeah. Gopinath niyata charani sthana, Gopinath niyata charani sthana, Gopinath niyata charani आपका चरण में स्थान दो। बोले क्यों? बोले कांदिया कांदिया मांगे पामर, बोले जितने सारे पापियों में मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, इसलिए आपके चरण में हम रो रो करके आपका चरण में हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप कृपा करके आपका चरण में हमें स्थान दो, क्योंकि मैं बड़ा दुर्जन हूँ। दुर्जन तारिते तुम्हार सकती, हम जितने बड़े पापी है, अगर इतने बड़े पापी को कोई उद्धार कर सकते हैं, गोपीनाथ आप ही केवल ये पापी को उद्धार कर सकते हैं। So in this prayer is telling that okay, I am the most sinful person, I am the most fallen soul, so I am begging your mercy, I am crying and begging your mercy, you are the only person who can forgive my all offenses and sin, and you can deliver me. If anybody has the potency to deliver me, is only you. You can uplift the most fallen soul. कहते हैं क्यों? बल यहाँ पर कह रहे हैं, बल आपका नाम है कृपा पारावार, मतलब कृपा की समुद्र आप हो, आप कृपा का समुद्र आप हो, इसलिए आप जगत में क्यों आए? बोले जीवर कारण आसिया प्रपंच लीला कैले संसार, जीवों को कृपा करने के लिए ही आप इस जगत में आए हो, इसलिए आप ही हमारे अपराध को माफ कर सकते। So your one name is the meaning of one name is that you are the ocean of mercy. So why you have come here? You have come here for uplifting the jivas. So please, I am the most fallen fallen soul. So please uplift me. वो कह रहे हैं कहते हैं गोपीनाथ आमी की दूसरे दोस्त, मैंने क्या दोष किया है? और दूसरी बात है, जितने असुर अगर आप उनको अगर कृपा कर सकते, रावण को
हैं मेघनाथ को और कुंभकर्ण को और शिशुपाल दंतपक्र जितने पापियों को तो उद्धार किया, अगर इतने बड़े बड़े पापियों को अगर उद्धार किए हैं आप क्या मेरे को उद्धार नहीं कर सकते हो? इसलिए कृपा करके मैं भी तो पापी से पापी हूँ, अब तो कृपा के अवतार हो इसलिए मेरे को कृपा कर। You have even delivered the big demons like Ravan, Kumbhakarna, Meghnath, Shishupal, Dantavakra. So they were the very dangerous for the mankind. But you have delivered them. So please be merciful on me and deliver me as well. इसलिए कहते हैं गोपीनाथ केवल हमारा भरसा, मतलब हमारा जो भरसा है केवल आप ही हमारा भरसा और कोई नहीं, इसलिए हम आपका चरण में शरण लिया है। मैं तो आपका किंकर हूँ ना, मैं आपका दास हूँ, इसलिए आपके सिवाय कोई नहीं मेरे को उद्धार करने वाला। सो आई हैव द एब्सोल्यूट बिलीफ ऑन योर लोटस फीट, आई एम योर सर्वेंट, सो यू ओनली कैन डिलीवर मी, सो प्लीज बी मर्सीफुल एंड डिलीवर मी। केवल दुर्जन तारीख तुम्हारे शक्ति के आशे पापी रहा, इतने बड़े दुर्जन को उद्धार करने वाले कोई हो तो केवल आप ही हो। सो यू आर द ओनली पर्सन हु कैन डिलीवर ऑल दिस बैड पीपल, सो प्लीज बी मर्सीफुल ऑन मी। कहता अगर ये कीर्तन को कोई रोज रोज करो ना, बड़े जल्दी से जल्दी तुम्हारे हृदय से काम क्रोध लोभ सबके से अपने आप दूर हो जाएगा। अगर ये कीर्तन को रोज करनी चाहिए, इसलिए बाबा गोस्वामी महाराज कहते थे ये रोज को रोज करनी चाहिए साधक की कीर्तन। सो एनी साधक फॉर एनी डिवोटी दिस इज मैंडेटरी दैट एवरी डे वी शुड सिंग दिस सॉन्ग सो दैट ऑल दिस अनर्थस विल बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर हार्ट वेरी सून। ओके बोले श्री गोपीनाथ की, गोपीनाथ तुम्हें कृपा पा।